साथ आए राम रहमान, पिताश्री और अब्बा जान, भाजपा का हो गया काम तमाम। एक बयान इनका ये था, जो लड़कों से गलती हो जाती है, एक बयान मुलायम सिंह यादव जी का ये था 2014 में कि मैंने आपके लिए यानी कि स्पेसिफिकली मुस्लिमों के लिए कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी और मैं क्या करता था सकता था। 2015 में रोमाना जी याद होगा बिहार विधानसभा में मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ, तो क्या वो जाति राजनीति नहीं हो रही थी। अखिलेश यादव का माइनस पॉइंट यही है रोमाना जी, इतने चार्जअप होने के बावजूद भी उनकी सरकार का प्रो यादव इमेज है। आज प्रो यादव इमेज होने के कारण ही कई वर्ग जो समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं वह बूथ पे जाते जाते कहीं बिदक न जाए। नमस्कार, चुनाव की बात रोमाना के साथ लेकर हाजिर हूं मैं। रोमाना इस साल खान और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ रहा है, अलग अलग फैक्टर्स इस यूपी चुनाव के जिसको हम टटोल रहे हैं, आज जिस फैक्टर की मैं बात करने जा रही हूं वो है उत्तर प्रदेश का जाट फैक्टर। कहते हैं जिसके साथ जाट सियासी तौर पर उसी की था, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त होल्ड है इनका। और इस बार महत्वपूर्ण जाट वोटर इसलिए हो जाता है क्योंकि जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है उसे एक बार फिर से साथ लाने की एक कवायद जो देखी जा रही है। किसान आंदोलन के जरिए भी इस यूनिटी को बनाने की एक कोशिश, क्योंकि जब राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर महापंचायत में मंच पर पहुंचते हैं तो वो नारे लगवाते हैं हर हर महादेव और अल्लाह अकबर की, जिससे इस जाटलैंड के अंदर जाट और मुस्लिम एक साथ आ पाए। ये सीधे सीधे एक विनिंग फॉर्मूला रहा, ये सीधे सीधे सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने की ताकत रखने वाला एक ऐसा हथियार रहा है जिसके जरिए जो नेता हैं वो सत्ता के गलियारों तक पहुंचते रहे हैं। फिलहाल क्या ये जाट मुस्लिम यूनिटी जो है वो बीजेपी को भारी पड़ सकती है क्या? मुझे लगता है सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले शिवम आप आइए, ये जाट मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कॉम्बिनेशन बीजेपी के कहीं ठाट जाने वाले तो नहीं है? देखिए रोमाना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि चाहे मसला 2014 का रहा हो, चाहे 17 का रहा हो, 19 का रहा हो, और तमाम इलेक्शंस में इससे पहले उत्तर प्रदेश में जाट और चाहे तमाम बिरादरियों को लेकर बात की जाती थी, लेकिन इन पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कास्ट क्रीड कलर कॉम्बिनेशन को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का वोट मिला है। और ये परोक्ष अपरोक्ष रूप से हर इलेक्शंस में आपने देखा भी होगा, सब जब आप देखते हैं एनालिसिस करते हैं। जहां तक बात जाटों का है और वेस्ट यूपी का जो आपने बताया, 122 सीटें हैं यहाँ पर वेस्ट यूपी में और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश को अब एक 23 करोड़ मतदाताओं के हिसाब से, 23 करोड़ जनता के हिसाब से देखा जाएगा, किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठकर देखा जाएगा। हाँ, कुछ लोगों ने जरूर किसान आंदोलन के नाम पर जातिगत रूप से रंग घोलने की कोशिश की है, लेकिन वो ना पहले कामयाब हुए थे, ना अभी कामयाब हुए और ना आगे कामयाब होंगे। ठीक है, आपने अभी कहा कि साहब जाति को तोड़ते हुए, लेकिन साहब आप तो खुद ही, आपकी पार्टी जो है वो सोशल इंजीनियरिंग का गुणगान करती है कि किस तरीके से अलग अलग जातियों को जोड़ते हुए बीजेपी जो है वो सत्ता तक पहुंची है। खैर, मैं अनुराग भदौरिया के पास लेकर चलती हूँ जो बात आप कह रहे हैं। ऐसे में फिर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी की साइकिल को अगर जाट धक्का नहीं लगाएंगे तो सत्ता तक कैसे पहुंचेंगे आप? देखिए, समाजवादी जो साइकिल है उस पर धक्का नहीं लगाया जाता है, समाजवादी साइकिल चलाई जाती है और चलाने से आदमी का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। धक्का लगाना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी की पार्टी को, उनको अपने लोगों को धक्का लगाना पड़ रहा है क्योंकि उनका सब कुछ डूब चुका है। जिस तरह की बारिश में आपने देखा, सड़कें पता नहीं चल रही है, सड़कें तालाब बन चुकी है। गड्ढा मुक्त करने वाली सड़कों की बात करने वालों पे, सड़कों में गाड़ियां डूब जा रही हैं, तो उन गाड़ियों को, भारतीय जनता पार्टी की डूबी गाड़ी को हो सकता है धक्का की जरूरत हो। साइकिल तो पैडल से चलती है और गांव के लोग उसको धनाधन चलाते जाएंगे और सत्ता की गति तक पहुंचा देंगे, एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में इस बार जो चुनाव होगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने दर्द दिया उत्तर प्रदेश को, लोगों को वो दर्द जो भारतीय उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं, जैसे कोविड काल में लोगों की मौतें होती रही और सरकार कहती रही एक भी मौत नहीं हुई। ऐसा कौन परिवार है जिसके अंदर में, यहाँ पे जिसके घर में किसी की मौत ना हुई हो, और सरकार इतनी बेशर्मी से बोलती है एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। और ऑक्सीजन की कमी के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि और उत्तर प्रदेश सरकार की गुंडागर्दी देखिए, वो कह रहे थे ऑक्सीजन की कमी की कोई बात करेगा तो उसमें एफआईआर कर देंगे, उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। ये दादागिरी उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये भी देखा है कि कैसे यहाँ बच्चों की, माँ की कैसे गोद सूनी हो रही है,
सात आठ 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 साल के बच्चों का, दस दस साल बच्चों की बुखार से मौतें हो रही है। और सरकार यहाँ पे सम्मेलनों में भी जी है, राजनीति में भी जी है, प्रचार में भी जी है, और लोगों की मौतें हो रही है, बच्चों की मौतें हो रही है। यहाँ पे महिलाओं के साथ चीरण हुआ जहरीली शराब पीने से, उसी अलीगढ़ में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करके गए, वहाँ पे कितने लोगों की मौतें हुई जहरीली शराब पीने से, एक शब्द उसमें नहीं बोला किसी ने। यहाँ महंगाई, लेकिन इस सब के बावजूद ये भी एक हकीकत है कि किसानों के कंधे की भी आपको जरूरत है। इस सब के बावजूद ये भी एक हकीकत है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायत किसान बुलाते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ कर समाजवादी पार्टी पहुंच जाती है। अगर इतने मुद्दे आपके पास जनता से जुड़े हुए तो सर फिर किसानों के कंधे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं राजनीति करने के लिए? आइए ना फिर जान पर। हाँ। तो आपको आपको ऐसा लग रहा है किसान धरने पे बैठा है, किसान परेशान है, किसान की 700 ज्यादा किसानों की मौतें हो गई तो विपक्ष क्यों होता है? अगर किसान की मौत होगी तो किसान के साथ खड़े होंगे, अगर युवा परेशान है तो बेरोजगारी में हम प्रदर्शन करते हैं, हाथरस में बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो हम वहां हाथरस में खड़े लाठी खा रहे थे और मैंने खुद खाई, आपके सामने की बात है। तो हम उस समाज के साथ खड़े होते हैं जिस समाज जो तकलीफ में होता है सरकार की गलत नीतियों से, जिसको परेशानी होती है, उस समाज के साथ समाजवादी लोग खड़े दिखाई देते हैं। आज किसान परेशान है, हम किसान के साथ हैं और रहेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है, अगर इतना ही समाजवादी पार्टी एक विकल्प के तौर पर सामने खड़ी नजर आ रही है, फिर तो किसी गठबंधन की भी कोई जरूरत नहीं थी ना। मुझे लगता है जल्दी से कमेंट ऋषि मिश्रा का लेते हैं और ऋषि मिश्रा से समझना चाहते हैं कि फिर रालोद के साथ सपा को हाथ क्यों मिलाना पड़ा? क्या ये जाट वोटों का गुणा भाग सेट करने की कोशिश नहीं तो और क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? ऋषि मिश्रा जी, देखिए वेस्टर्न यूपी में जाट कास्ट एक इम्पोर्टेंट निर्णायक रोल अदा करती है, और आपने बिल्कुल सही कहा, जिसके साथ जाट उसी का है लखनऊ में ठाट। और जब जब जाटों ने समर्थन किया है, और रोमाना जी यदि आप देश के जानी मानी पत्रकार हैं, आपने हर चुनाव को कवर किया है, वेस्टर्न यूपी ही हवा बनाती है। यदि वेस्टर्न यूपी को जिसने शुरुआती में हवा अपने पक्ष में कर लिया तो बाकी पूर्वांचल और अवध में हवा बनाने में समय नहीं लगता है। और बीजेपी को 2017 में यदि आप देखें तो 77 सीट इस वेस्टर्न यूपी से मिला था, करीब 17% जाट हैं और 27% मुसलमान हैं, और 17% और 27 को जोड़ देते हैं तो एक बड़ा चंक बनता है। शिवम त्यागी जी को मैं सुन रहा था और बदरिया जी को भी सुन रहा था, अलीगढ़ में प्रधानमंत्री के स्पीच को आप डिकोड करें तो राजा महेंद्र को, रोमाना जी शायद आप भी नहीं जानती होंगी कि राजा महेंद्र जाट थे, शायद बहुत से कम, बहुत कम हम समझते हैं। संतोष भरतिया जी मेरे साथ उस दिन डिबेट में थे, वो वेस्टर्न यूपी से आते भी हैं, वो बता रहे थे कि मैं भी नहीं जानता हूँ कि राजा महेंद्र जो हैं जाट समुदाय से आते हैं। तो बीजेपी के लिए जाट और गुज्जर इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि दो तीन दिन बाद योगी आदित्यनाथ दादरी जा रहे हैं और राजा मीर भोज जो है गुजर समाज के बहुत बड़े राजा रहे हैं, बहुत बड़े एक सिंबॉलिक रहे हैं, उनका मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। अच्छा, तो जाट राजा महेंद्र प्रताप के नाम आप ले आए इस चर्चा के अंदर। देखिए मुझे लगता है कि शिवम को आना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई राजा महेंद्र प्रताप जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी का ऐलान आप करते हैं, यही राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त कराई थी इन्होंने मथुरा की सीट से, और ये खुद संसद पहुंचे थे। आज बीजेपी उन्हीं के नाम पर, हाँ आज बीजेपी उन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी का ऐलान करती है, तो ये जाटों को खुश करने के लिए नहीं तो और क्या है शिवा? रोमाना जी, सबसे पहले आपके सोशल इंजीनियरिंग वाले सवाल का जवाब दूंगा। आपने कहा कि बीजेपी तो वो पार्टी है जो सोशल इंजीनियरिंग करती है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि इस देश में जितनी भी जाति धर्म संप्रदाय हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जा सके, सब कहीं ना कहीं अपनी जगह बना सबको करनी चाहिए, बहुत बेहतर। नहीं 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 सर, ये कहां इंश्योर करते हैं आप लोग तो विजिबिलिटी की बात करते हैं, फिर विजिबिलिटी की बात क्यों करते हैं? अगर सबका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना है तो विजिबिलिटी की बात क्यों करते हैं सर? ये विजिबिलिटी तो फैक्टर है सर, मेरी बात तो सुनिए ना। हां बोलिए, आपको लगता है कि विजिबिलिटी के अलावा भी सोशल इंजीनियरिंग नहीं हो सकती? विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ होते हुए सोशल इंजीनियरिंग और रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। विजिबिलिटी होना बेहद अनिवार्य है, जीतेंगे नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए ना सर, आपको अपने नेताओं की बातें भी जरा गौर से सुननी चाहिए। अगर इतनी ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हर समुदाय को, हर जाति धर्म को आप देखना चाहते हैं तो मुसलमानों को देंगे उत्तर प्रदेश में, ये भी बता दीजिए, मुसलमानों को क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए? उनको कितना टिकट देंगे आप? रोमाना जी आप बताइए जरा, पिछले 32 साल में कौन से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखे हैं? बताइए, आप बताइए कितने कांग्रेस और समाजवादी के नेताओं ने महिलाओं के लिए एक मिनट फिर मैं आपसे पलट कर कहूंगी। आप मुझे बता दीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पिछले 100 साल में अपनी 100वीं सालगिरह कब मनाई है? पहला ही मौका था ना जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100वीं सालगिरह का मौका था।
लेकिन क्या क्या लेकिन क्या कोई और क्या कोई और इवेंट नहीं आया है? क्या कोई और इवेंट नहीं आया? रोमाना जी, रोमाना जी, रोमाना जी, रिप्रेजेंटेशन, अगर रिप्रेजेंटेशन मापदंड है तो फिर तो सबको रिप्रेजेंटेशन दीजिए ना, इसीलिए मुद्दे पर रहिए सर, मुद्दे पर रहिए, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। रिप्रेजेंटेशन सीधा ये बता दीजिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह की याद बीजेपी को एन चुनाव से पहले क्यों आ रही है, ये बताइए ना, इसके जवाब दीजिए। आपने जो 58 का जिक्र किया, मैं उस पर भी आता हूँ। सबसे पहले इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस, ये हंसी बंद कर दीजिए ऋषि मिश्रा जी, हम सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, हमारे सामने सरदार रोमाना जी, मैं एक तथ्य रखना चाहता हूँ, कांग्रेस का हिस्सा वो भी थे, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करती आई है, देश को उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमने इस देश के जितने भी सामाजिक स्तर पर बड़े लोग रहे हैं उनको पूजने का, उनको आगे लाने का, उनको आगे बढ़ाने का, उनके लिए एक सम्मान प्रकट करने का काम हमेशा से किया है। राजा महेंद्र सिंह जी को अगर कोई कहता है कि क्यों किया, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 57 में चुनाव लड़े थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस में थे, लेकिन बावजूद उनके तमाम चीजों के हम उनको आज भी मानते हैं। तो ये तो अपनी आस्था है, कोई मानना चाहता है, कोई नहीं मानना चाहता है, आप नहीं मानना चाहते मत मानिए सर। दरअसल मैं ऋषि जी आपके पास ही आ रही हूँ। आप जिसको आस्था कहते हैं सर, उसको भारतीय राजनीति में ना प्रतीकों की राजनीति के नाम से जाना जाता है। खैर, मुझे लगता है ऋषि जी अपनी बात कर लें, उसके बाद चलते हैं अनुराग भदौरिया के पास। आइए ऋषि जी, देखिए राजा महेंद्र को हम पूरे देश एक फ्रीडम फाइटर के रूप में जानते हैं, जाट नेता और जाट बिरादरी के लिए नहीं जानते हैं, नंबर वन। नंबर टू, शिवम जी कास्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, 2015 में रोमाना जी याद होगा बिहार विधानसभा में मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, तो क्या वो जाति राजनीति नहीं हो रही थी? गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे कि मियां अहमद पटेल एक मुख्यमंत्री बनेगा, तो किसको टारगेट कर रहे थे? नंबर तीन, अखिलेश यादव, माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, किसने कहा था? रोमाना जी मैं बोल लूं, उस पर बोल लेंगे, मैं अखिलेश यादव के भी कहना चाहता हूं। अखिलेश यादव का माइनस पॉइंट यही है रोमाना जी, इतने चार्जअप होने के बावजूद भी उनकी सरकार का प्रो यादव इमेज है। आज प्रो यादव इमेज होने के कारण ही कई वर्ग जो समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं वह बूथ पे जाते जाते कहीं बिदक न जाए, ये भदौरिया जी को समझना चाहिए। जब भी मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, प्रो यादव इमेज के कारण ही कई समाज, गुज्जर, जाट, ब्राह्मण यदि जुड़ना चाहते हैं, एक पत्रकार के हिसाब से बता रहा हूं, वो बिदक जाते हैं, जैसे बिहार में लालू यादव के साथ। तो ये समझना होगा कि देश में जातीय पॉलिटिक्स से कब हमारे जो सियासतदान है ये हमारे देश को बिल्कुल, वो जातीय राजनीति कब फायदे के सौदे की बजाय नुकसान का सौदा ज्यादा बनने लगती है, आप कह रहे हैं कि इस बात को समझना होगा। जल्दी से जवाब दीजिए अनुराग, उसके बाद शिवम के पास दोबारा चलते हैं। अनुराग आइए। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब जाति धर्म की राजनीति पर फोकस कर रही है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता ने, और संपूर्ण जनता का मतलब आप समझ सकती होगी, संपूर्ण जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। अब वो भागते घूम रहे हैं, जाति धर्म की राजनीति पर फोकस कर रही है। दो एग्जांपल तो दीजिए ना जिस पर जवाब लो, फिर मैं शिवम से वो सबको पता है किस तरह से घूमती फिर रही है। अभी अलीगढ़ घूम रही है, कहीं हमने सुना है आजकल नोएडा में भी घूम रहे हैं, आजकल हमने सुना कहीं और भी जा रहे हैं मूर्ति मूर्ति लगाने। मतलब आप जात धर्म पे फोकस करते, माने जैसे होता ना एक आदमी घूम रहा है, माने उसके दिमाग काम नहीं कर रहा, करें तो क्या करें। कभी इधर कभी वहाँ कभी इधर, उत्तर प्रदेश में उत्तर, एक बार मैं बात बोलूं फिर आप बोलिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी हमेशा अपने विकास की राजनीति पे जोर देती, आज भी डंके की चोट पे हम अपना काम गिनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 4.5 साल का काम नहीं गिना पा रही है, इसलिए लिए उड़न खटोला यहाँ वहाँ पिता तो काट नहीं रहे, उद्घाटन करते वो शिलान्यास करते घूम रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि इनके बस का कुछ नहीं, ये विकास की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते, ना ही देश में कर सकते, ये जाति धर्म की राजनीति को फोकस करके समाज का बंटवारा करना चाहते, लेकिन समाज देश का बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यहाँ सांस्कृतिक और सांस्कारिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है, जो उत्तर प्रदेश की जनता को कबूल नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश नहीं देखना चाहती है, वो यहाँ सांस्कारिक और सांस्कृतिक उत्तर प्रदेश देखना चाहती है जो समाजवादी बना। सर, बड़े बड़े आरोप आपने लगाए हैं, अब शिवम के पास चलना पड़ेगा। शिवम, इन आरोपों का जवाब दे दीजिए, और एक बात जो बार बार विपक्ष की तरफ से दोहराई जा रही है कि साहब बीजेपी डर गई,
जो जाट मुस्लिम यूनिटी देखने के लिए मिली है मुजफ्फरनगर में, हर हर महादेव अल्लाह अकबर एक साथ एक ही मंच से जो जयकारे गूंजे हैं, उसी की वजह से अब्बा जान जैसे बयान दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं, मुझे लगता है सबसे पहले तो अनुराग जी की बात का मैं जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि जात की पॉलिटिक्स कर रही है, उड़न खटवा लेकर उधर उधर घूम रहे हैं। आपके 1000 बयान है, बताइए कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप? मैं लिस्ट लेकर बैठा हूँ, बताइए आप वो सुनना पसंद करेंगे कि लड़की है, लड़का है, लड़कों से गलती हो जाती है, ये विकास था आपका ये विकास था? काम गिनाए ना। ठीक है, तो एक बयान इनका ये था जो मैंने अभी बताया, लड़कों से गलती हो जाती है। एक बयान मुलायम सिंह यादव जी का ये था 2014 में के मैंने आपके लिए यानी कि स्पेसिफिकली मुस्लिमों के लिए कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी और मैं क्या करता था सकता था। एक बयान 2019 का अखिलेश यादव जी का रैली में खड़े होकर बाकायदा कहते हुए है ये जय श्री राम बोल रहा है, ये बीजेपी का आदमी है, इसको गिरफ्तार कीजिए। ये आपका विकास का मॉडल था। खैर, हम इस विकास के मॉडल पर नहीं जाना चाहते। अनुराग भदौरिया जी, अब आप काम की बात कर रहे थे, 30 नए मेडिकल कॉलेजेस हम बना रहे हैं, आप नहीं। 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पे काम हम चला रहे हैं, आप नहीं। एक्सप्रेसवेज जो स्टेट ने बनाए हैं हम बना रहे हैं, आप नहीं। 6,65,000 नौकरियां सरकार ने दी है, हमने दिया, आपने नहीं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स स्टैब्लिश कर चुके हैं, ये हमने दिया है, आपने नहीं। नोएडा आईटी हब बन चुका है, ये आपने नहीं बनाया, हमने बनाया। जवाब दे दो। लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर हमने बनाया, आपने नहीं बनाया। रेवा में आईटी सेंटर हमने बनाया, आपने नहीं। और आखिर में और अब एक सेकंड और कहना चाहते हैं, अब्बा जान वाली सवाल मैं, पर लेकिन जवाब आपको मैं, देना है। रोमाना पहले अनुराग भदौरिया जी, इनके आरोपों का जवाब। रोमाना जी, एक पहले साफ बोल दें, साथ आए राम रहमान, पिताश्री और अब्बा जान, भाजपा का हो गया काम तमाम। ये समझ लीजिए, उनको एक बात समझाए। दूसरी बात, जो काम गिना रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ एक भी वीडियो दिखा दें जहाँ इन्होंने एम्स बनाया हो, वहाँ हॉस्पिटल में इलाज हो रहा हो। एक भी वीडियो दिखा दें जो एक्सप्रेस बनाया हो जिसमें गाड़ी चल रही है। एक भी वीडियो दिखा दें जो इन्होंने काम किया हो, वहां पे काम दिखाई दे, माने लोग काम कर रहे हो। ये सब पता क्या गिनाते रहते हैं? ये जो समाजवादी द्वारा काम किए गए ना, उनको गिनाते रहते हैं। हमने एक्सप्रेस बना दिया, अरे पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बनाने की बात थी, हम 80% उसको लैंड एक्वायर करके गए थे, वो भी आप चालू नहीं कर पाए। हमने 22 महीने में चालू कर दिया था, नहीं तो आज मैं बनारस में बैठा हूँ, हमें धक्का खाते हुए 8 घंटे लगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात कर लूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं अपनी बात कर लूँ। अब देखिए रोमाना जी, आप बीच में लखनऊ से चल के आया, मुझे 8 घंटे लगे क्योंकि यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस बना ही नहीं पाए और 22 महीने बना चुके थे, जो आज लोग दौड़ते रोज आते हैं। एक बात, एम्स की जमीन दे के लेके हम गए थे गोरखपुर में, एम्स की जमीन दे के गए थे जहाँ एम्स आज तक बना नहीं पाए। जमीन हम देके गए थे तो दूसरी जगह क्या बनाएंगे? ये कागज गिनाते हैं, हमने यहाँ गिना दिया, वहाँ गिना दिया, जमीन तक नहीं बनाया। अरे हमने तो बना के दिखाए हैं, हमने तो हॉस्पिटल बनाए हैं। उसे एक वीडियो मंगवा लीजिए, वीडियो मंगवाइए। जब इतने दाम है आपके पास गिनाने के, तो फिर ये जवाब दीजिए ना कि फिर अब्बा जान जैसे बयान देने की क्या जरूरत है। रोमाना जी, जो अब्बा जान की आपने बात कही, हम जनता के बीच में सारे काम लेकर जाएंगे, एक एक चीज को हर मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनके जो पिछले जमाने में, पिछले समय में, पिछली सरकारों में माइनॉरिटी अपीजमेंट के काम रहे हैं, जो चीजें रही हैं, जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, वो बयान रहे हैं, उसके आधार पर आज इनको अब्बा जान सुनने में बुरा नहीं लगना चाहिए। और ये कोई शब्द भी बुरा नहीं है, एक्सेप्ट करिए ये आपके कर्म है जिनका प्रतिफल आज आपको मिल रहा है, बुरा नहीं मानना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर चुनाव की बात रोमाना के साथ देख रहे थे आप, और उत्तर प्रदेश चुनाव में खासतौर से जो अलग अलग फैक्टर्स प्ले अप करेंगे, उसी को लेकर हम ये चर्चा आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज हमने बात की जाट मुस्लिम वोट कॉम्बिनेशन की, इसकी ताकत क्या है और ये किस तरीके से सियासत का खेल जो है वो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। आपने अलग अलग पक्षों के अपने अपने दावे देखे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।